सिंह की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस बहराइच आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए तृतीय शनिवार को पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत तृतीय मंगलवार को जनपद की समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। तहसील सदर बहराइच में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने CDO रम्या आर, SDM सदर प्रिंस वर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ आए हुए फरियादियों के समस्याओं की गंभीरता पूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में पयागपुर निवासी श्यामा देवी उर्फ निर्मला पत्नी बेलभद्र द्वारा भूमि पर अवैध के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा SDM पयागपुर को तत्काल कौमा मुआयना कर समस्या का समाधान कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार मोहल्ला घोसियाना निवासी मोहम्मद अली पुत्र स्वा सालार बख्श द्वारा भूमि की नकल दिलाए जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र पर तत्काल निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त होने वाले 30 अन्य प्रार्थना पत्रों में से 05 का मौके पर निस्तारण कराते हुए शेष 25 के संबंध में संबंधित अधिकारियों को समयबद्धता के साथ निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए गए। DM मोनिका रानी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त शिकायतों का पूरी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करते हुए गरीब व पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित न्याय दिलाते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शासकीय योजनाओं से आच्छादित कर मुख्यमंत्री के निर्देशों को अमली जामा पहनाया जाए। DM ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित वादों का मूल्यांकन कर प्रभावी करते हुए उन्हें निस्तारित कराया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस के अंत में CDO ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की तथा बच्चों को अन्नप्राशन कराया। इस अवसर पर नवागंतुक DFO बहराइच संजय कुमार, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गौतम, जिला विकास अधिकारी महेंद्र कुमार पांडे, PDDRDA राजकुमार, उप निदेशक कृषि TP शाही, DPRO राजवेंद्र द्विवेदी, DPO राज कपूर, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमा शंकर गुप्ता व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी BDO, BU, CDPO व थानाध्यक्षगण मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि तहसील पयागपुर में संपन्न हुए संपूर्ण समाधान दिवस में 50 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 04 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसी प्रकार अन्य तहसीलों महसी में प्राप्त 10 में 02, कैसरगंज में प्राप्त 76 में 11, नानपारा में प्राप्त 28 में 03 तथा महिमपुरवा मोतीपुर में प्राप्त 18 में 02 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर किया। समाधान दिवस चल रहा है, अब तक क्या शिकायतें आई हैं, आपके द्वारा क्या आदेश दिए गए हैं? आज जनपद बहराइच में इस बार मंगलवार को समाधान दिवस का आयोजन हुआ, क्योंकि पुलिस भर्ती थी तो इस वजह से मंगलवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तो सभी अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। इसमें मिश्रित प्रकार की शिकायतें प्राप्त हैं, कुछ बिजली की शिकायतें, कुछ राशन की शिकायतें, कुछ राजस्व की शिकायतें, कुछ ऐसी शिकायतें थी जो इस तहसील से संबंधित नहीं थी, अन्य तहसीलों से संबंधित थी। तो उनमें जो तत्काल सीनियर अधिकारी को जो उनकी संवेदनशील प्रकृति की शिकायतें थी, तो उसमें पुलिस की टीम बनाकर और राजस्व की टीम बनाकर आज तत्काल जो है वो भेजा गया है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जो भी शिकायतें हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, और अगर जो निस्तारण है वो संतोषजनक नहीं हुआ तो उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, अभी एक पयागपुर का मामला आया था जिसमें आपके द्वारा आदेशित किया गया है, क्या मामला था, क्या बताएं? वो चकबंदी से संबंधित एक प्रकरण था, तो उसमें किसी पूर्व प्रधान को उन्होंने शिकायत दी थी और मिट्टी पटाई का था, तो उसमें SDM साहब को क्योंकि दूसरी तहसील का था तो तत्काल उन्हें जो है वो प्रकरण प्रेषित किया गया और तत्काल पुलिस की और राजस्व की टीम जो है मौके पर भेजी गई। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल